हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाला हर्षी का चॉकलेट सिरप, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब इस चॉकलेट सिरप को हम घर पर ही बहुत ही आसानी से बस 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो इसे हमें सबसे पहले छान के ले लेना है, ताकि इसमें अगर जो लम्स है वो निकल जाए। सिरप बनाने के लिए हमें एक पैन को जो है गैस पर रख देना है, और इस पैन में हमें 2 कप जो है पानी ऐड कर देना है। तो अब इस पानी में हम 1 कप जो है शक्कर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे डार्क कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप शक्कर ले ली है। अगर आप नॉर्मल कोको पाउडर लेते हैं तो यहाँ पे आप 3/4 कप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये सारा कोको पाउडर जो है इसमें डाल देना है। अब इसे हमें कुछ देर तक जो है कंटिन्यूस चलाते रहना है, जिससे ये कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, और अगर कोई लम्स रह जाते हैं तो कंटिन्यूस चलाने से वो निकल आएंगे। अब हमें इस मिश्रण को जो है 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल आने तक पकाना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे बहुत ही अच्छे से बॉईल आ रहा है। गैस को जो है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। इस मिश्रण को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। यहाँ पे हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है, तो ये जब तक 1 कप नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाते रहना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो मिश्रण है कि आधा हो गया है। इसे 8 से 10 मिनट लग जाते हैं अच्छे से पकने के लिए। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। अभी भी आपको ये लिक्विडी लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा होते जाएगा। इसलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मिश्रण है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है, और ये पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट सिरप जो है वो बिल्कुल तैयार है। बस 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसानी से ये घर पर हम बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चॉकलेट सिरप है कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बना है, ना ज़्यादा लिक्विडी है ना ज़्यादा गाढ़ा है। और उसी के साथ हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये बन जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।